पीएम मोदी गए हैं भूटान, और ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनको आकर वेलकम किया है। 15 सेकंड की जो जप्पी डाली है वो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। पीएम मोदी की तो मेरी नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, फर्स्टली मैं यही कहूँगी, और सेकंडली हमें अपने आप को देखना चाहिए। वो मोदी, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि आज इंडिया जो है ना चांद पर पहुँच गया, हम लोग जो है ना आटे, हमारी माएँ बहनें जो आटे की लाइनों के पीछे लगी। पीएम मोदी पसंद क्यों नहीं है, पूरी दुनिया उनको लाइक कर रही है, आपको क्यों नहीं पसंद? मुझे नहीं पसंद वो, वजह भी तो होती है, मतलब वो इंडिया का है और हम पाकिस्तानी हैं, हम इस्लामिक हैं और वो नॉन मुस्लिम है। लेकिन उन लोगों का फ्यूचर तो ब्राइट होता जाएगा, हम लोग तो फिर भी मतलब कायदे आज़म ने हमने गुलामी से बाहर निकाला, लेकिन हम फिर भी उसी गुलामी के दौर में चल रहे हैं। हम जब भी किसी मुल्क में हमारे पॉलिटिशियंस जाते हैं तो दे जस्ट हैव अ बाउल इन देयर हैंड्स फॉर आस्किंग मनी। तो जब आप किसी मुल्क में बजाय इसके लिए जाएं कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करेंगे, आप हमेशा जाते हैं जी हमें कर्जा चाहिए, आप हमेशा जा रहे होते हैं हमारी हेल्प कर दें, तो जब आप कहीं हेल्प करने के लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे भी यहाँ कोई हमसे मदद मांगने आएगा तो हम उसके लिए मिली तरह तो नहीं पड़ेंगे। आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस समय भूटान दौरे पर गए हैं, भूटान के अंदर उनका भव्य स्वागत हुआ, उनको जो है ना एक लंबी 15 सेकंड तक की जप्पी भी डाली गई, इसके अलावा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी उनको जो है ना उनको दिया गया। अब ये सब देख कर ना पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन निकल कर आ रहा है ना वो काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पर आप पाकिस्तानी पब्लिक की जो झुंझुलाहट है वो आप स्पष्ट इस वीडियो में देख पाओगे, और वीडियो को काफ़ी आप इंजॉय करोगे। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोदी की तो मेरी नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, फर्स्टली मैं यही कहूँगी, और सेकेंडली हमें अपने आप को देखना चाहिए। वो मोदी, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता कुछ, और क्या रिस्पेक्ट नहीं है उनकी? उनकी मेरी नज़र में तो उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। आपकी नज़र में नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की नज़र में तो बहुत है। अब हम वर्ल्ड को देखेंगे तो फिर आपको पता है दुनिया तो बहुत कुछ कहती है कि ये करें वो करें, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता दुनिया का तेल लेने। हाँ, दुनिया जो मर्जी कहे, मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए डेफिनेटली। हमें अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। आपको पीएम मोदी पसंद क्यों नहीं है, पूरी दुनिया उनको लाइक कर रही है, आपको क्यों नहीं पसंद? मुझे नहीं पसंद वो, वजह भी तो होती है, मतलब वो इंडिया का है और हम पाकिस्तानी हैं, हम इस्लामिक हैं और वो नॉन मुस्लिम में शुमार होता है। चाइना पसंद है आपको? चाइना पसंद है? चाइना भी नहीं पसंद है? नहीं। देखिए, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम हम इतने तफरके में क्यों पड़े हुए हैं? जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको तो हमें प्रेज करना चाहिए। आज हमारी इस्लामिक कंट्रीज भी उनके गुण गा रही हैं। अब सब तो इसी तरह करेंगे, यू नो वेरी वेल के अपने आप को आगे लेके जाने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। अच्छा। बहुत कुछ करता है तो, लेकिन हम तो, मैं तो यही कहूँगी कि हम अगर लोगों का सोचेंगे तो हम यही रह जाएंगे और लोग आगे निकल जाएंगे। हमें अपना देखना चाहिए। क्या देखें? अपने आप को देखें पहले, अपना घर बार, अपना फ्यूचर देखें, अपने फ्यूचर को ब्राइट करें, ना कि इस तरह लोगों के पीछे लग के बाकी इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस के पीछे लगे। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीछे लग रहे हैं? देखिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं तभी आज इतनी वेल रिप्यूटेड पर्सनैलिटी वो बन गए हैं कि जहाँ जाते हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, उनको इज्जत मिलती है, उनका इस्तकबाल किया जाता है। हम जहाँ जाते हैं हमें नंगा करके वहाँ पर हमारी चेकिंग हो रही होती है। अब मुझे ये बताया क्या करें हम? और आपने बोला आगे बढ़ना, तो इंटरनेशनल रिलेशंस जब तक हमारे हमसायों मालिक के साथ अच्छे नहीं होंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है, अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, ईरान के साथ अच्छे नहीं है, भारत के साथ अच्छे नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम? वो हम पे, अपने पे डिपेंडेड है कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। अब आप हैं, आप क्वालिफिकेशन करी हैं, इतना पढ़ी लिखी हैं, किसी लिए पढ़ी लिखी हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इसीलिए हम अपने आप को देखें, हम पढ़े लिखे हैं, सब कुछ करें, हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, कैसे जा सकते हैं? अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे हम आगे जा सकते हैं। मेरिट पे? तो मेरिट तो पाकिस्तान में है ही नहीं। अब वही तो, पाकिस्तान की अवाम, आपको पता है कि पाकिस्तान की अवाम तो बस इस तरह यूं ही करती है कुछ, उसे पता। दुनिया पीएम मोदी को इज्जत क्यों देती है, ये सवाल पैदा होता है यहाँ। वो दुनिया को तो मैं पागल ही कहूँगी फिर, जो इस तरह के काम करती है। क्यों? क्योंकि नहीं करना चाहिए ना उसे। आप देखें पाकिस्तान क्यों इतना पीछे है। अब आप यहीं से बाहर के मुल्क चली जाए, हाँ। वो कितना आगे है, उसकी करेंसी बहुत आगे है, हाँ। और यह पाकिस्तान को देख लें, पीएम मोदी को रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? उसके पैसे को सलाम है। पैसे को सलाम है? उनकी मेहनत को सलाम है। मेहनत, आप पैसा है तो मेहनत है ना, मेहनत उसकी क्या है, सारा पैसा मेहनत करके ही तो उन्होंने पैसा कमाया है। इसी तरह ही फिर आपको क्या लगता है, हम पीएम मोदी को अच्छा नहीं समझते हैं, क्यों इतनी नफरतें हैं? हम उनकी नेगेटिव चीजें जो है वो बड़ी हाईलाइट करते हैं, इतनी सारी जो पॉजिटिव चीजें उनको भूल जाते हैं। आर यू राइट?
बट अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ, मैं यही कहूँगी ठीक है आप उन्हें भी करें अपना भी करें, दोनों को करें। अब मैं यही कहूँगी आपको सुनने के बाद, लाइक मैं यही अंडरस्टैंड करूँगी कि हमें उन्हें भी करना चाहिए अपने आप को भी करना चाहिए। देखिए उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को एक साइड पर रखें, इंडिया को देखा जाए तो उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। यही है कि उनकी आवाम अपने जो है ना प्राइम मिनिस्टर पे जो है ना वो भरोसा करती है, वो पीएम पे भरोसा करती है, तो वो इनकी इस्टेब्लिशमेंट होगी, इनकी गवर्नमेंट हो गई या फिर वो जो भी उनके जितने भी अदारे उनके साथ अटैच हैं सब उन्हें जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज इंडिया जो है ना चांद पे पहुंच गया, हम लोग जो है ना आटे, हमारी माएँ बहनें जो आटे की लाइनों के पीछे लगी हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, उसके बावजूद हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना अभी आवाम क्या कर रही है, बिजली के बिल हम लोग जमा करवा रहे हैं, घरों के किराए दे रहे हैं, गैस के बिल जमा करवा रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप खुद बताएं, अपनी ज़ात पर कुछ खर्च कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी खर्च नहीं करते, हमारे बच्चे हैं, सबसे मेन इशू है कंडीशन। ऐसी कंडीशन इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी देखा जाए ना कि उनका पीएम जो है ना उनके उनमें गुर्बत नहीं है, वो एक प्लान बनाते हैं, वो उस प्लान के मुताबिक चलते हैं। हमारा प्लान बनता है बाद में है, तोड़ने वाले जो है ना पहले आते हैं। भूटान के अंदर पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है और वो इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसको सारी कंट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं पूरी दुनिया में। क्या लगता है कि भाई उस बंदे में ऐसी क्या क्वालिटी है कि पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है, बड़े बड़े ममालिक उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, इवन के फलस्तीन के अंदर से भी उसको अवार्ड मिला हुआ है? हाँ बिल्कुल, उसकी क्वालिटी यही है कि उसने अपने मुल्क को खुददार मुल्क बनाया, अपने मुल्क को खुददार कौम बनाया और अपने इंडिया की एक तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार होने लगा है, इसीलिए दुनिया उसकी इज्जत करने लगी है। हम देखें ना तो हम ये क्लेम करते हैं कि भाई वो हिंदू मुस्लिम करता है, मोदी जो है वो हिंदू मुस्लिम के तफड़के में उसने अपने आप को अपने कौम को मतलब हिंदुत्व को डिवेलप किया है। क्या आपको लगता है कि ये रियलिटी, अगर ऐसी रियलिटी है तो भाई वहाँ से सारे मुसलमान क्यों नहीं जा रहे, वहाँ क्यों बैठे हुए हैं और इवन के अब और ज़्यादा उनमें मोटिवेशन आई है कुछ करने? कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ हमें नज़र आती हैं, जो सिर्फ़ हमें पढ़ाई जाती हैं या सिर्फ़ हमें दिखाई जाती हैं, वो उनका हकीकत से इतना कुछ ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे हमें बताया जाता है कि इंडिया में इतना जुल्म होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन ऐसा तकरीबन कुछ नहीं होता। मसला यह है कि अगर ऐसा कुछ होता इतनी डिवाइडेंस होती तो वो इतना तरक्की ना करता। कुछ सालों में ही उसने इतनी तरक्की किया कि वो पाकिस्तान तो कहीं भी नज़र नहीं आता, उनके पीछे कहीं भी नज़र नहीं आता। तो इस वो अभी चाइना का मुकाबला कर रहा है, वो अभी पांचवी बड़ी मईशत बन गया है, तो वो इस तरह तो नहीं ना बन गया, वो एक कौम बनी है, उनमें इत्तेफाक इतिहाद है, तो तभी वो तरक्की कर गया है ना। तो होते हैं कुछ मसाइल, सियासत है कुछ ना, हर जगह होते हैं। आप अमेरिका देख लें, कोई भी कितना बड़ा कंट्री भी देख लें, कोई डेवलप्ड कंट्री देख लें, कोई भी हो, लेकिन सियासत सियासत होती है। कुछ चीज़ें होती हैं वो सियासत के लिए यूज़ करता होगा, हिंदुत्व को मुसलमानों के खिलाफ या कुछ कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ज़्यादातर जो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है वो ऐसा कुछ नहीं होता। बंदा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर चुका है दुनिया के अंदर, क्या आपको लगता है इन फ्यूचर उनका जो एक मुकाम है या एक रोब है या मर्तबा है या सिक्का है वो पूरी दुनिया में इस टाइम चलेगा या एशिया के अंदर रोब उनका चलेगा जो कि अभी उनके काम चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल ज़रूर चलेगा। मसला ये है कि उन्होंने ना स्टार्ट से ही एक अच्छे मनसूबे लेकर आए, उन्होंने एजुकेशन पर ध्यान दिया और उसके बाद उन्होंने अपना एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया कि उधर इस तरह नहीं होता कि 5 साल में 3-4 प्राइम मिनिस्टर आ जाए, उनकी कंटिन्यूटी होती है। देखें मोदी अभी 10 साल पूरे हो गए, अभी फिर इलेक्शन होगा तो उम्मीद यही है कि वो फिर जीत जाएगा।